वुड रियली लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट कि वो हमें इतने टाइम से और इतनी सेफली इंडिया वापस लेके आए हैं, और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनके यहाँ आके, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ और सेफ फील हो रहा है। माधवी जी, कैसे हालात थे वहाँ के यूक्रेन के, जैसा कि सारी सभी जगह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कंडीशन बनी हुई थी वहाँ पे? जी, यूक्रेन के हालात तो ऑफकोर्स सबको पता ही है कैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग के फिर भी आप बोल सकते हैं 20-30% बेटर थे, बिकॉज हम वेस्ट साइड ऑफ यूक्रेन में थे। ईस्ट साइड की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जैसे खारकीव, कीव, सूमी, इन सब जगहों के तो बता नहीं सकते। हम लोग के वहाँ भी आए दिन पता चला था यहाँ विस्फोट हुआ है, वहाँ हुआ है, साइरेंस बज रहे थे, बंकर में जाना पड़ रहा था, और वैसे बिजली बिजली काट देते थे, ब्लैकआउट हो जाता था पूरा, कहते थे कि सारी लाइट्स वाइट्स बंद करके जितना हो सकता है सिक्योर जगह पे चले जाओ। तो ऑफकोर्स डर का माहौल बहुत था, और खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग जैसे जिससे नहीं पता चला, सबके सब पहले खाने का स्टॉक करने के लिए भाग गए, क्योंकि पता नहीं था कितने दिन रहना पड़े क्या हो। सब जगह ख़त्म हो रहा था, महंगी हो गई थी चीज़ें, लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी हुई थी, एटीएम्स पे पैसे ख़त्म हो गए थे, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें। तो वहाँ यूक्रेन में तो काफ़ी दिक्कतें फिलहाल काम करने परिवार से की। मिलके कैसा महसूस कर रही हाँ, हैं? बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आने का अरेंजमेंट किस तरीके से, आप अपने खर्चे से आई हैं या फिर सरकार द्वारा किसी तरीके की कोई मदद मिल जी पाई जी है? जी हम अपने खर्चे तक सिर्फ बॉर्डर तक आए हैं यूक्रेन से, जो रोमानिया के बॉर्डर से मैं क्रॉस करके आई हूँ इंडिया, तो रोमानिया के बॉर्डर तक हम अपने खर्चे पे आए थे कैब तक। उसके बाद हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। जैसे हम लोग वहाँ एंटर किए तो रोमानियन सिटीजन्स भी काफ़ी काफ़ी सपोर्टिव थे, मतलब वो खाना पीना अकोमोडेशन सब लोग सब करा रहे थे, सिम दे रहे थे हमें वहाँ की, तो वहाँ का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। फिर हमें वहाँ से एयरपोर्ट भी फ्री पे ले जाया गया, और एयर मतलब रोमानिया से इंडिया भी बिना पैसे के लाया गया है, तो ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं यहाँ पे।